नवाज शरीफ का इलाज कल नहीं आज, हुकूमत ऑपोजिशन और शरीफ खानदान की सर तोड़ कोशिशें जारी। PIC लाहौर, रावलपिंडी या अलशिफा अस्पताल, किस अस्पताल जाना मियां साहब बताएं। महकमा दाखिला ने 3 अस्पतालों के नाम तजवीज कर दिए। स्पीकर की कायम करदा मुजाकराती कमेटी ने भी सर जोड़ लिए। शहबाज शरीफ, हमजा, मरियम नवाज और ख्वाजा आसिफ की जेल आमद। जाती मौलिज डॉक्टर अदनान भी अद्वियात लेकर जेल पहुंच गए। नवाज शरीफ के इलाज के लिए हर सूरत देने को तैयार हैं। नवाज शरीफ के अलावा 40,000 कैदी और भी मौजूद हैं। ओपोजिशन दीगर कैदियों के हक में आवाज़ क्यों नहीं उठाती। वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद की मीडिया से गुफ्तगू। अब्दुल अलीम खान कहते हैं कि हुकूमत नवाज शरीफ की सेहत पर सियासत नहीं करेगी। मियाँ साहब को जो सहूलत चाहिए वो फराहम करेंगे। शहर की सफाई के नाम पर खजाने की सफाई, मौजूदा हुकूमत के साबिक हुकूमत पर करप्शन के इल्जामात, मियां असलम इकबाल बोले। नू लीग ने सफाई के नाम पर अपने प्यारों की जेबें भरी, रातों रात तुर्की की कंपनी बना दी। 115 करोड़ से शहर की सफाई होती रही। ऑपोजिशन अरकान का सीटों पर खड़े होकर एहतजाज। मलिक अहमद खान ने इल्जाम की तहकीकत के लिए पार्लिमानी कमेटी बनाने का मुतालबा कर दिया। बोले, कम टेंडर से फीट एंड कूड़ा साफ करवाया, लाहौर को कराची से ज्यादा साफ सुथरा बनाया। लाहौर हाई कोर्ट ने फूड अथॉरिटी को छापों की फोटिश की तशहीर से रोक दिया। फूड पॉइंट से लिए गए सैंपल्स का तहफ्फुज़ यकीनी बनाने की हदायत। पकड़ा गया ना कि तेल दरिया या नहर में ना डाला जाए, गंदे पानी से सब्जियों की पैदावार को भी रोका जाए। सरकारी पानी जहां से आ रहा है वहां से चेक करें। हाई कोर्ट में एशिया खुर्दोनोश से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत। अदालत का DG फूड अथॉरिटी को हुक्म। नेशनल एक्शन प्लान पर तेजी से अमल दरामद। सिक्योरिटी इदारों का कलदम तंजीमों के खिलाफ क्रैकडाउन। जवातो दावा समेत दीगर तंजीमों के 60 से जायद कारकुन गिरफ्तार। 16 मदारिस का कंट्रोल हुकूमत ने संभाल लिया। 9 डिस्पेंसरियां भी सरकारी तहवील में ले ली गई। महकमे औकाफ में कवानीन की खिलाफवर्जी के मामलात सामने आ गए। स्पेशल फॉरेंसिक ऑडिट टीम ने 494 ऑडिट पैराज तैयार कर लिए। सबसे ज्यादा बेकायदगियां लाहौर जोन में सामने आईं। महकमे औकाफ का फॉरेंसिक ऑडिट सुप्रीम कोर्ट की हदायत की रोशनी में किया गया। असातिज़ा की गफलत तरक्कियों की राह में रुकावट बन गई। ग्रेड 18 में तरक्की की मुंतजर खवातीन असातिज़ा की प्रमोशन फाइल पर एतराज़ात। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने नामुकम्मल फाइल भिजवाने पर फहरिस्त जारी कर दी। पंजाब हुकूमत ने स्कूलों को नॉन सैलरी बजट भी जारी कर दिया। पंजाब के आइंदा बजट के लिए गाइडलाइन जारी कर दी गई। बजट में सनअती तरक्की तरजीहात में शामिल, इंडस्ट्रीज रेगुलेशन अथॉरिटी पंजाब बनाने का भी फैसला। PND ने ग्रीन सिग्नल दे दिया। शहरी का प्लॉट मनसूखी केस की हाई कोर्ट में समाअत। जवाब जमा न करवाने पर अदालत DG LDA पर बरहम। आमना इमरान खान को 10,000 रुपए जुर्माना आए। हाई कोर्ट का DG LDA को 19 अप्रैल को जाती हैसियत में पेश होने का हुक्म। बगैर नक्शा घर बनाने का इल्जाम, खोखर बरादरान के खिलाफ केस की समाअत। सैफुल मुलुक, मोहम्मद शफी और अफजल खोकर की जमानतें मंजूर। मुलजिमान को 50,000 रुपए के मचल के बतौर जर जमानत जमा करवाने का हुक्म। अपनी बिजली अब खुद बनाएं और फरोख भी करें। नेट मीटरिंग मंसूबे में अहम पेशरफ। 361 बिजली सार्फीन को बिजली की पैदावार करने का लाइसेंस जारी। नेप्रा की मंजूरी के बाद लेस्को ने इजाजत दे दी। घरों की छतों पर सोलर पावर सिस्टम लगाने से बिजली पैदा होगी। सार्फीन इजाफी बिजली लेस्को को फरोख कर सकेंगे। हुकूमत का महंगा हज पैकेज चैलेंज, सस्ता हज मुमकिन। प्राइवेट टूर्स ऑपरेटर्स की सस्ता हज करवाने की बड़ी पेशकश। 4,76,000 की बजाय 3.5 लाख रुपए में हज करवा सकते हैं। निजी टूर ऑपरेटर्स की हाईकोर्ट में दरख्वास्त। अदालत हमें कोटा फराहम करने का हुक्म जारी करे।
महंगाई का तूफान, शहरी परेशान। सब्जियां भी आम आदमी की पहुंच से बाहर। टमाटर 140 रुपए प्रति किलो, लहसुन 160, सब्ज मिर्च 200 रुपए में फरोख। टिंडे ने भी निस सेंचुरी मुकम्मल कर ली, 50 रुपए बिकने लगे। ब्रायलर गोश्त अब कुछ सस्ता हो गया, 6 रुपए प्रति किलो कमी, कीमत 233 रुपए हो गई। फजाई मुसाफरों की मुश्किलात कम ना हो सकी, अलामा इकबाल। इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कुल 36 परवाजें मुतासिर। अंदरून और बैरून मुल्क आने और जाने वाली 10 परवाजें ताखिर का शिकार। 26 मनसूख, मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना। वजीर आजम आज लाहौर आएंगे, गवर्नर और वजीर आला पंजाब से अलग अलग मुलाकातें शेड्यूल। वज़रा की वजारतों से मुतालिक फैसले भी मुतवक्के। वजीर आजम को साबिक हुकूमत की 10 साल कारकर्दगी रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। इमरान खान मौजूदा और साबिक हुकूमती इकदामात का जायजा लेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी भी आज लाहौर आएंगे। बिलावल भुट्टो मखदूम अहमद महमूद की साहबजादी की शादी में शिरकत करेंगे। पार्टी कायदीन की मुलाकातें भी शेड्यूल का हिस्सा। हम माएँ, हम बहनें, हम बेटियां। तालीम हो या सियासत, फन अदब, वकालत या खेल का मैदान, औरत का हर रूप कुदरत का अनमोल तोहफा। आज ख्वातीन का आलमी दिन मनाया जा रहा है। मुख्तलिफ शोबों में काम करने वाली ख्वातीन मर्दों के शाना बशाना चलने का आलमी दिन मनाया जा रहा है। पूरी दुनिया भर में वो ख्वातीन को एक एजाज देने के बराबर है। ख्वातीन की अजमत को सलाम करने के लिए ये दिन मुख्तस किया गया। हम माएँ, हम बहनें, हम बेटियाँ, और इस दुनिया के रंग हमसे है। शाना बशाना मर्दों के काम कर रही हैं। हमारी मेन फीमेल्स जो हैं, मरियम मुख्तार हैं, जैसे मलाला यूसुफ़ज़ई हैं या अरफा करीम हैं, तो ये मेन वो नाम है जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे हमारा नाम रोशन। ख़वातीन इतनी एम्पावर्ड हैं। हर दिन हम लोगों का होना चाहिए, चाहे हम घर में बैठे हों या चाहे हम बाहर फील्ड में काम कर रहे हों, हम काम ही करते रहते हैं। ख्वातीन का आलमी दिन, पंजाब यूनिवर्सिटी के शोबा जेंडर स्टडीज़ के ज़ेरे एहतमाम रैली, असातिज़ा और तालबात की भरपूर शिरकत। वाइस चांसलर डॉक्टर नियाज अहमद बोले कि ख्वातीन की इज्जत ना करने वाले अनपढ़ हैं। ख्वातीन के आलमी दिन पर लेडी ट्रैफिक वार्डन्स की भी हौसला अफजाई। कला गुज्जर सिंह में तकरीब, बेहतर कारकर्दगी पर इनामात तकसीम। सीटीओ लियाकत अली मलिक बोले, मर्द की कामयाबी औरत की ताजीम में है। ख्वातीन मर्दों के मुकाबले में बेहतरीन फराइज अंजाम दे रही हैं। वर्किंग ख्वातीन के लिए डीसी लाहौर आला मिसाल। सालिया सईद बनीन जागो लाहौर की मेहमान, कहती हैं कि ख्वातीन मर्दों से कम नहीं, एहतमाद की जरूरत है। ख्वातीन को हर लिहाज से बाइख्तियार बनाना होगा। मेहनत और लगन हर मुश्किल काम को आसानी में बदल देती है। मेहनत कशों के लिए अच्छी खबर। पंजाब हुकूमत ने मजदूर की कम से कम तनख्वाह 16,500 रुपए मुकर्रर कर दी। मेहनत कशों को मजदूर तहफ्फुज़ कार्ड भी देने का ऐलान। मजदूर कार्ड पर 20% सस्ती अशिया खुर्दनोश खरीद सकेंगे। दुनिया की सबसे बड़ी पिक्चर वॉल की बहाली का काम जारी। शाही कला में मौजूद दीवार पर काम जारी। दीवार पर नक्शो निगार के 365 नमूने महफूज। दीवार की बहाली का काम मार्च में मुकम्मल किया जाएगा। और शहर का मतला जुज़्वी अबरालू। ठंडी हवाएं चलने से मौसम सर्द, बारिश के 40% इम्कान हैं। दर्जा हरारत ज्यादा से ज्यादा 22 सेंटीग्रेड तक रहेगा, महकमा मौसमियात ने बता दिया।